हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सभी की ऑल टाइम फेवरेट छेना रसगुल्ला। छेना रसगुल्ला खाने में जितना यमी होता है, बनाना उतना ही ट्रिकी। पर आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी रसगुल्ला बनाना, जिससे आपके भी रसगुल्ले बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रसगुल्ला बनाना। रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे छेना। छेना बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। दूध को उबालना है। जब दूध में 1 उबाल आ जाए तो यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे। दूध को फाड़ने के लिए यहाँ पर मैंने सिरका लिया है, आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दूध को लगातार चलाते हुए फाड़ रही हूँ। ऐसा करने से जो छेना होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से रसगुल्ले फटते नहीं हैं। 1 से 2 मिनट बाद दूध से छेना अलग हो गया है। अब दूध को आधा ठंडा करेंगे। दूध को किसी मलमल या कॉटन के कपड़े पे छान लेंगे। कपड़े की चारों साइडों को पकड़ के छेना को छानेंगे। सेम प्रोसेस जैसे हम पनीर बनाने में करते वैसे ही करना है। पनीर बनाने में सारा पानी निकाल देते हैं, पर हम यहाँ पर सारा पानी नहीं निकालेंगे। जितना पानी आसानी से निकल जाए उतना ही निकालेंगे। फिर इसकी हम एक पोटली बना के 4 से 5 घंटे के लिए कहीं पर टांग देंगे। यहाँ पर एक प्लेट में छेना को निकाल के सबसे पहले हम छेना को क्रम्बल करेंगे। पनीर को हम हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मलेंगे। रसगुल्ले बनाने की मेन ट्रिक यहीं से होती है। जितना हम अच्छा इसको मलेंगे और रसगुल्ले उतने ही अच्छे हमारे बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं छेने को अपनी हथेलियों से अच्छी तरह से मल रही हूँ। जितनी अच्छी तरह से आप छेने को मलेंगे उतने ही अच्छे हमारे रसगुल्ले सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। लगभग 6 से 7 मिनट तक ही छेने को मैंने यहाँ पर मला है। अब हम यहाँ पर बैंडिंग के लिए डालेंगे 1.5 चम्मच अरारोट पाउडर। अरारोट पाउडर नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। अरारोट को भी छेने के साथ मिला के अच्छी तरह से स्मूथ कर देंगे। लगभग 5 से 6 मिनट तक इसको हम और मस लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्ट सा डो बनके हमारा तैयार है। चलिए अब हम चाशनी बना लेते हैं छेने के लिए। छेना की चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और उसी कटोरी से 4 कटोरी पानी ले लेंगे। मेजरमेंट के हिसाब से जिस बर्तन से आप चीनी लें उसी का 4 गुना पानी डालें। यहाँ पर हम कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाएंगे, सिर्फ चीनी को पिघलाएंगे और एक बढ़िया सा उबाल आने देंगे। जब तक चाशनी बन के तैयार हो रही है तब तक हम छेने के बॉल बना लेते हैं। यहाँ पर फिर से मैं 1 मिनट के लिए छेने को मसलूंगी। छेने को मसलने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले हम छेने की एक बॉल बना के देखेंगे। यदि बॉल में क्रैक नहीं आ रहा है तो छेना हमारा बिल्कुल रेडी है, और यदि बॉल में क्रैक है तो आप थोड़ा सा छेने को और मसल लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ सी हमारी बॉल बन के तैयार है। किसी तरह की कोई भी क्रैक नहीं है इसमें। जिस साइज के आपको रसगुल्ले बनाने हो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर सारी बॉल बना के रख लें। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, रसगुल्ले बनने के बाद डबल हो जाते हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आप सारी बॉल बना के रख लें। यहाँ पर छेने से मैंने छोटी छोटी सी लोइयाँ बना ली हैं। लोइयाँ बनाने से क्या होता है कि सारी बॉल एक जैसी होती हैं। हथेलियों को हल्के हाथों से घुमाते हुए यहाँ पर मैंने सारी बॉल्स को तैयार कर लिया है। यहाँ पर बॉल्स बन गई हैं। अब हम चलते हैं चाशनी की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाशनी बढ़िया सा उबाल आ रहा है। अब हम एक एक करके सारी बॉल्स को इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर एक बात का जरूर ध्यान रखें, रसगुल्लों को कभी भी कम गर्म चाशनी में बिल्कुल ना डालें। कम गर्म चाशनी में डालने से रसगुल्ले हार्ड हो जाएंगे और फूलेंगे भी नहीं। इसलिए कभी भी रसगुल्ले डालें तो अच्छी खासी खौलती हुई चाशनी में डालें, जिससे रसगुल्ले फूलेंगे भी और स्पॉन्जी भी बनेंगे बिल्कुल मार्केट जैसे। रसगुल्लों को डालने के बाद इसे 5 मिनट तक खौलती हुई चाशनी में पकाएंगे। फिर इसे कवर करके
10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे और पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, रसगुल्लों को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं रसगुल्ले कितने बढ़िया तरीके से फूले हैं, जिस साइज के रसगुल्ले डाले थे उनसे बिल्कुल डबल हो गए हैं। आप लोग यहाँ पर एक बात का नोटिस कर सकते हैं कि चाशनी थोड़ी सी कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी इसलिए डालेंगे ताकि जो चाशनी का टेम्परेचर है वो बना रहे। यहाँ पर रसगुल्लों को बिना कवर किए 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे और पकने देंगे। लगभग 7 मिनट हो गए हैं, चलिए रसगुल्लों को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रसगुल्ले को दबाया वापस फिर से वो स्पॉन्जी हो गया। रसगुल्ले बनके तैयार हैं, यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, पर पहले रसगुल्लों को अच्छी तरीके से ठंडा करेंगे फिर उसके बाद सर्व करेंगे। ठंडा होने से रसगुल्ले और भी फूल जाएंगे और यम्मी हो जाएंगे। लग रहे हैं ना बिल्कुल हलवाई जैसे फूले फूले से और जूसी रसगुल्ले। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।